आज मैं आपको कोरल ड्रॉ के अंदर बनाना मास्किंग कैसे करते हैं, केले के ऊपर इस तरह से टेक्स्ट का जो मास्किंग है वो कैसे करेंगे, एकदम सिंपल तरीका बताऊंगा। देखिए अलग अलग तरीके हैं, लेकिन मैं आपको जो तरीका बताऊंगा इजीएस्ट तरीका बताऊंगा, और ये मैं आपको कोरल ड्रॉ के अंदर 11 के अंदर बताऊंगा। तो आपके पास कोरल ड्रॉ 11 हो, कोरल ड्रॉ 12 हो, या कोरल ड्रॉ X3, X7 या लेटेस्ट वर्सन, कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा आप इजीली कर पाइएगा, आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा, जिन्हें थोड़ा सा भी नॉलेज होगा कोरल ड्रॉ के अंदर वो लोग भी कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इस तरह से हम लोग बनाना मास्किंग कैसे करते हैं कोरल ड्रॉ के अंदर। और यहाँ देखिए मेरा कोरल ड्रॉ 11 खुला हुआ है, तो पेज आप कोई सा भी ले लें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ पहले तरीका सीखें, उसके बाद आप पेज में उस मास्किंग को आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मल सा देखिए मैंने एक लैंडस्केप पेज लिया हुआ है। अब यहाँ से केले का तस्वीर लेंगे हम लोग, तो यहाँ फाइल में जाते हैं, यहाँ पर मैं इम्पोर्ट पर क्लिक करते हैं। करने के बाद इम्पोर्ट का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आया। अब ये वाला जो केले का जो तस्वीर है PNG फॉर्मेट में है। PNG कहने का मतलब इसका बैकग्राउंड नहीं है। जब मास्किंग जब भी आपको करना होगा तो ऐसा फ़ोटो लेना होगा जिसका बैकग्राउंड ना हो। तो एक वेबसाइट है जिसको बोलते हैं हम लोग cleanpng.com, जैसे kisspng.com, इसका लिंक मैंने दे रखा है, वहाँ पर जाइएगा, आपको इस तरह से बनाना लिखिएगा तो ऑटोमेटिकली इस तरह से आपको तस्वीर मिल जाएगा। अब इसको करना क्या है, इस पर क्लिक करना है, उसके बाद इंपोर्ट पे क्लिक करना है। ये मैंने इंपोर्ट पे इस तरह क्लिक किया। अब ये जो केला है देख सकते हैं, यहाँ पे लाके इस तरह ड्रैग कर दिया, देख सकते हैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लिया मैंने। ये करने के बाद सेम टू सेम, याद रखिएगा एक बात, इस जितना बड़ा अभी आपने कर रखा है इसको पहले स्केलिंग कर लें। अब इसका एक डुप्लीकेट बना लें, डुप्लीकेट बनाने का Ctrl D भी कर सकते हैं, ड्रैग एंड आप इसे ड्रैग करके राइट हैंड साइड ले जाइएगा, राइट क्लिक कीजिएगा तो भी डुप्लीकेट हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए एडिट में जाते हैं, यहाँ से मैं डायरेक्टली दिखा रहा हूँ, डुप्लीकेट शॉर्टकट है यहाँ पर, इस पर क्लिक करेंगे, इसका एक सेम देखिए डुप्लीकेट इसका कॉपी यहाँ बन गया। अब इसको मैं थोड़ा सा साइड में यहाँ पर ला के रख देता हूँ, याद रखिएगा इसको आपको इस तरह साइड में रख देना है। ये रख दिया मैंने केले को यहाँ पे, ये देखिए मैंने इसको जिधर मन करे आप इसको बाहर भी उठा के काम कर सकते हैं, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। अब रखने के बाद अब क्या करना है, टेक्स्ट लिखना है। तो यहाँ पे टूल बॉक्स में जाएंगे और ये जो टूल है जिसे हम लोग टेक्स्ट टूल बोलते हैं इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें टेक्स्ट लिखना है, तो इस पर क्लिक करके मैं सब कैपिटल में लिखूँगा, इसलिए कैप्स लॉक को मैंने ऑन कर दिया है कीबोर्ड से। अब मैं अपना ही नाम लिखता हूँ, GAUTAM गौतम लिख दिया, अपना नाम लिख दिया मैंने। लिखने के बाद इसको यहाँ पे जो पहला वाला है पिक टूल पे क्लिक करेंगे और इसको मैं इस तरह से स्केलिंग ड्रैग कर लिया, ये देखिए मैंने ड्रैग किया। तो बनाना मास्किंग करने के लिए टेक्स्ट थोड़ा सा मोटा होगा तो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हम लोग क्या करेंगे इसका थोड़ा फॉन्ट हम लोग चेंज कर देंगे। अब देखिए हो सकता है जब आप टाइप कीजिएगा तो कैपिटल में नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ से चेंज केस का ऑप्शन दिया हुआ, यहाँ से भी स्मॉल लेटर से आप ये अपर केस कर दीजिएगा तो आपका टेक्स्ट जो है कैपिटलाइज हो जाएगा। ये हो जाने के बाद अब करना क्या, फॉन्ट चेंज करना है, तो यहाँ से मैं एक फॉन्ट लूँगा, आप एरियल ब्लैक भी ले सकते हैं, या एक फॉन्ट है जो थोड़ा सा थिक है, मोटा फॉन्ट है, तो मैं लूँगा एक फॉन्ट जिसको हम लोग इम्पैक्ट बोल के फॉन्ट है, इम्पैक्ट IMPACT, इसको क्लिक किया, देखिए मेरा टेक्स्ट थोड़ा मोटा हो गया। तो इस तरह से तो मोटा फॉन्ट आपको ले लेना है, तो मैंने ले लिया है फॉन्ट यहाँ पर। अब इसको क्या करना है, यहाँ पर ये देखिए इसके ऊपर ठीक जितना बड़ा आपको बनाना है मास्किंग करना है, जितना एरिया आपको कवर करना है केले के ऊपर, आप यहाँ से कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ से लगाया, इसको भी यहाँ से मैंने यहाँ पे लगा दिया, हो गया। थोड़ा सा इसको भी मैं यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इतना काफ़ी है। करने के बाद अब क्या करना है, टूल बॉक्स में जाना है और यहाँ पे देखिएगा बहुत सारे टूल्स है, टेक्स्ट टूल के ठीक नीचे इस सब में मिलेगा, कोरल ड्रॉ के हर वर्सन में है। अब यहाँ से देखिए इनवेलप बोल के एक टूल है, इंटरेक्टिव इनवेलप टूल, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देंगे तो ध्यान से अगर गौर कीजिएगा, देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ जिससे आप सीख पाइएगा अच्छी तरह से, इसको ध्यान से देखिए आप। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे आपको इस तरह से स्क्वायर बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, हर कॉर्नर में आपको मिलेगा, मिडिल में ही मिलेगा। अब करना क्या है, ये जो कॉर्नर है यहाँ पे आप क्लिक करके क्लिक कीजिएगा तो इसमें हैंडल आ जाएगा, ये देखिए हैंडल यहाँ भी है, हैंडल यहाँ भी है। अब इस पॉइंट को आपको क्या करना है, ठीक यहाँ से ले जाके ठीक इस पॉइंट पर यहाँ पर ठीक केला जो किनारा है ठीक वहाँ पे लगा देना। लगा देने के बाद यह हैंडल जो है इसको आप इस तरह से एडजस्ट आप
केले के साइज़ के हिसाब से कर दीजिएगा, टेक्स्ट ठीक एकदम केले के हिसाब से एडजस्ट होगा। फिर यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ इस पॉइंट पे, इस जगह पे राइट हैंड साइड में, इसको भी क्लिक करके ठीक यहाँ पे लगा दीजिए, इस तरह लगा दिया। अब ये जो बीच का पोर्शन है, आप एक और काम कर सकते हैं, यहाँ से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप इस पर डबल क्लिक मारिएगा तो चला जाएगा, या राइट क्लिक करके यहाँ से अगर डिलीट करते हैं तो ये पॉइंट देखिए चला गया यहाँ से। तो एक तरीका सिंपली आप इसको ऐसे भी आप इसको इस तरह लगा दीजिएगा तो भी हो जाएगा, लेकिन अगर पॉइंट डिलीट नहीं हो रहा ये इस पर क्लिक कीजिए, ये देखिए फिर से मैं इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ठीक इस पॉइंट पे क्लिक किया, ये हैंडल आया, ये देखिए इसको मैं इस तरह एडजस्ट कर रहा हूँ, ये देखिए मैं कर दे रहा हूँ, या डायरेक्टली आप यहाँ से उठाइए, इस तरह आपको एडजस्ट करना होगा। ये मैं थोड़ा सा यहाँ से इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको समय देना होगा, इस तरह से हैंडल को आपको इस तरह एडजस्ट कर देना है, ये देखिए मैं कर दे रहा हूँ। तो ठीक देखिए, ठीक शेप के अनुसार जिस तरह से केला का शेप है, ठीक मेरा ये टेक्स्ट इसमें एडजस्ट हो चुका है, देख लीजिए। थोड़ा सा और इसको नीचे कर देते हैं, एकदम ठीक इसका इस तरह से एडजस्ट हो गया। अब नीचे वाला जो पोर्शन है, अगर मैं इसको डिलीट मार देता हूँ या डबल क्लिक करूँगा या राइट क्लिक करके अभी कर सकते हैं, यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, ये पॉइंट डिलीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ, देखिए ध्यान से इसको मैं यहाँ पर मिला दे रहा हूँ, ये पॉइंट यहाँ पर क्लिक करके ठीक यहाँ पर, थोड़ा सा सब्र कीजिए, उसके बाद इसको पॉइंट को यहाँ पर मैं मिला दे रहा हूँ, ये देखिए ठीक यहाँ पर पॉइंट मिलाया, ये देखिए कब हो गया। अब इसको ड्रैग करके यहाँ से मैं इसको ठीक इसी बराबर से जितना मेरा टेक्स्ट है इसी बराबर से आपको यहाँ पे क्लिक कर देना, ये देखिए आपको पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, ठीक इसको और थोड़ा नीचे कर देते हैं, देखिए टेक्स्ट मेरा ठीक यहाँ से देखिए एडजस्ट हो गया। थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा इसको इसी लेवल पर लगा देना, हल्का सा इसको उठा देता हूँ, ये देखिए एकदम ठीक। फिर यहाँ पर हल्का सा यहाँ पर क्लिक करके इसको थोड़ा सा आप इस तरह से आप इसको एडजस्ट आपको करना होगा, ये देखिए बाहर नहीं जाना चाहिए, इसको ऐसे मिला सकते हैं हम लोग। ये हो गया, इतना करने के बाद ये कंप्लीट हो गया। इतना करने के बाद अब क्या करना है, आपको यहाँ पे इस जगह पे क्लिक कर देना, पिक टूल पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब क्या करना है आपको, ये जो है ये वाला केला, ये जो पीछे खड़ा केला, इस पर क्लिक कर देना है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, या इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर इसको नहीं सिलेक्ट करना है कोई दिक्कत नहीं, इस पर आप क्लिक कीजिएगा, ये देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया, देख लीजिए बढ़िया से इसको सिलेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरे वाला केला, इसको सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे जाइए इफेक्ट में जाइए, पावर क्लिप में जाएँ, प्लेस इनसाइड कंटेनर, इस पर देखिएगा आपका माउस पॉइंटर चेंज हो जाएगा। अब ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ठीक इसके ऊपर ऐसे क्लिक कर दिया, ये देखिए जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है, आपका यहाँ जो बाहर में जो मैंने केला जो डुप्लीकेट करके रखा हुआ था वो केला इसके अंदर देखिए टेक्स्ट के अंदर चला गया है, लेकिन ऊपर का हिस्सा देखिए अभी भी देखिए यहाँ पे ये मेरा पूरा कवर नहीं हुआ। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, करने के बाद एडिट कॉन्टेंट्स बोल के ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद अब देखिए टेक्स्ट मेरा देखिए कैसे यहाँ तक चला गया। अब इसको क्या करना है, सिंपल है, ये जो टेक्स्ट है इसको थोड़ा सा यहाँ से क्लिक करके मैं थोड़ा सा इसको एप्पल को ठीक यहाँ से मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, ये देखिए लग गया, ये देखिए बढ़िया से लग गया, ध्यान से देखिएगा लग गया यहाँ पे। लगने के बाद ये देखिए लग गया यहाँ पे, अब क्या करेंगे, राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे फिनिश एडिटिंग लेवल, ये देखिए मैंने इसमें ठीक ये केला जो है थोड़ा सा बाहर चला गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये देखिए लग गया। हो जाने के बाद अब क्या करना है, यहाँ से आपको इसको राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करेंगे तो ये देखिए राइट क्लिक कीजिएगा माउस का कलर में जाके सफ़ेद, तो आउटलाइन देखिए एकदम सफ़ेद हो दिखाई देगा, ये देखिए मेरा हल्का सा सफ़ेद आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये हो जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इस टूल बॉक्स में आना है। अब यहाँ पे एक टूल है देखिए, इस पर क्लिक करेंगे, ये जो जिस जगह हम लोगों ने इन्वेलप टूल पर क्लिक किया था ठीक यहाँ पर एक टूल है जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरेक्टिव काउंटर टूल, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद देखिएगा इंटरेक्टिव का यहाँ पे टूल का यहाँ पे उसका प्रॉपर्टी बार यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अब ये तीसरा नंबर वाला जो आउटसाइड वाला है, इसको आपको क्या करना है, थोड़ा बढ़ा देना है, जैसे मैंने इसको फोल्ड कर देता हूँ, तो देखिए इस तरह से आपको देखिए आउटलाइन आपको दिखाई देगा, इस तरह से ध्यान से देखिएगा, इस तरह से आउटलाइन दिखाई देगा। तो यहाँ पर भी आपको सफ़ेद होना चाहिए, इस जगह पर भी आपको सफ़ेद कर देना है, इस जगह से भी मैंने इसको सफ़ेद कर दिया, ये देखिए ब्लैक है, इसको भी मैंने यहाँ से सफ़ेद कर दिया। यहाँ पर भी अगर क्लिक करेंगे, अब ये हो जाने के बाद यहाँ पे आइए इसको लेफ़्ट क्लिक कीजिए, ये देखिए यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा देखिए ये आपका यहाँ से देखिए सब गायब हो गया, देखिए चला गया। यहाँ आके फिल में इसमें लेफ़्ट क्लिक फिल कर दीजिएगा तो ये आउटलाइन ऐसे हो जाएगा, देखिए हो गया। अब सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, ये देखिए बन गया। अब यहाँ पिक टूल पर क्लिक कीजिए, सबको इस तरह ड्रैग करके सिलेक्ट कर दीजिए, सिलेक्ट हो गया। अब अरेंज में जाइए, यहाँ से आप इसको ग्रुप में क्लिक कर दीजिए, ग्रुप हो गया, ये देखिए। अब इसको पकड़ के यहाँ पर आप इसको यहाँ पे लगा दीजिए, ये देखिए मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, पेज में लगा दिया। अब जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए देख सकते हैं
केला का देखिए मास्किंग, देखिए बनाना स्किन, ये देखिए बनाना का देखिए मास्किंग। इस तरह से हम लोगों ने कोरल ड्रॉ में सिंपल तरीका मैंने आपको बताया, कोई मुश्किल नहीं है। अगर कहीं पे आपको दिक्कत हो रहा है, अगर आपको समझने में कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ नहीं है, सिंपली आप एक केला लेना है, उसके बाद उसी का एक डुप्लीकेट बना लेना है, उसे साइड में रख लेना है। रखने के बाद टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट को थोड़ा सा थिक कर देना है, मोटा कर देना है। उसके बाद यहाँ पावर क्लिप इफेक्ट में जाके प्लेस इनसाइड कंटेनर कर देना है, जो बाहर है वो वाला केला को क्या करना है, उसको सिलेक्ट रखना है। उसके बाद जो तीर आएगा उसको लेके इस पर क्लिक कर देंगे, टेक्स्ट के अंदर वो चला जाएगा केला। उसके बाद राइट क्लिक करके उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ काउंटर में यहाँ पे जाना है आपको, ये जो काउंटर टूल है इस पर जाके जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आउटसाइड वाला सिलेक्ट करना है, यहाँ पे 3-4 आउटसाइड ले लेना है, इसमें भी वाइट कर देना है, इसमें भी वाइट, ये सब में वाइट कर देना है। करने के बाद यहाँ आके कलर का पैलेट में आके यहाँ पे लेफ्ट क्लिक माउस का कर दीजिएगा, इस तरह बन जाएगा। लास्ट में आपको ग्रुप कर देना है फोटो को, सिंपल तरीका है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, दिक्कत हो रहा कमेंट कीजिए, कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ ज़रूर बताएं, और फिर मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।